श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत 1PS में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर का तूफानी दौरा, लोगों का मिल रहा है भरपूर प्यार। 40 सालों से स्वर्गीय सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर के विकास कार्यों को लेकर लोगों में खुशी है। आम जनता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रुपेंद्र सिंह कुन्नर से मिलकर जन समस्याओं से अवगत करा रही है। वहीं रॉयल पत्रिका के संवाददाता निशान सतराना ने चुनावी चर्चा को लेकर की बातचीत, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। लगातार रॉयल पत्रिका की टीम गांव-गांव ढाणी तक पहुंचकर आपको चुनाव प्रसार की प्रतिक्रिया दे रही है। ग्राउंड रिपोर्ट पे जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम हैं ग्राम पंचायत 1PS के गाँव 49वीं। जी हाँ, उसमें अभी कुछ ही समय के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो रूपी कुन्नर जी पहुंच रहे हैं। लगातार उनका जनसंपर्क जारी है, गांव-गांव ढाणी तक पहुंच रहे हैं, लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले जी आपसे जान लेता हूं, क्या नाम आपका? गुरविंदर सिंह। गुरविंदर जी, कहाँ से हो आप? 49वीं से। 49वीं से। तो अब की बार श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन सा विधायक होना चाहिए, क्या काम करवाएं? युवा नाते तक रूपी कुन्नर ही होना चाहिए। रूपी कुन्नर का रुझान लग रहा है? क्या लग रहा है, रूपी कुन्नर को आप क्यों वोट दोगे, किस मुद्दे पे वोट दोगे? युवा मुंडा जी, पहली बार उठे, मौका मिलना चाहिए था। जी, जैसे कि लगातार सरदार कुन्नर सिंह ने अपने आप को सेवा दी है, कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में काम किया है आपके लिए, क्या कुछ वो सही किया गया था? सही किया जी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं बस, और नहीं, आपका क्या नाम है? छोटू सिंह भाई। छोटू सिंह जी, कहाँ रहते हो आप? पूर्व सरपंच। हाँ, पूर्व। आप पूर्व? हाँ जी। सरपंच साहब, कौन सा क्षेत्र में विधायक होना चाहिए? साडे कर्णपुर दा ही। हाँ जी, आप जानना चाहूंगा, कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार आप कांग्रेस का झंडा और डंडा उठाकर लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हो? जो कुन्नर परिवार है जी, पिछले 40 सालों से आमजन की, गरीब की, किसान की बात सुन रहे हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। जो आमजन है, खासकर ऐसी समाज, तो उन पे कुन्नर साहब के बहुत सारे एहसान हैं। किसान वर्ग पे एहसान है, व्यापारी वर्ग है। कुन्नर साहब ऐसे इंसान थे, उन्होंने कभी भी किसी वर्ग को नाराज नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं देखा जे बहुजन से है, ये कांग्रेस से या बीजेपी से बहुजन थे। वो सब पार्टी ऊपर हट के इंसानियत के नाते वो जनता की सुनते थे। उनको कोई मतलब नहीं ये बीजेपी का वर्कर है, ये बहुजन का, ये कामरेड का। उनका एक ही झंडा था कि मुझे ये कर्णपुर की जनता ने जिताया है, मेरे लिए सब कर्णपुर जनता ने मुझे वोट दी है। उनकी जो यही पॉजिटिविटी थी, उसका आज रूबी कुन्नर को बहुत फायदा मिल रहा है। वो अगर रूबी कुन्नर इस तरह काम आगे करते रहेंगे तो जीते रहेंगे। जो ये चुनाव हो रहा है, ये रूबी कुन्नर नहीं, सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ही लड़ रहे हैं। कुन्नर फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ मुद्दे हैं गांव के? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ नेता वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जो मुद्दे होते हैं उनको जीतने के बाद में अक्सर भूल जाते हैं। और जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने नेताओं को वोट देने के बाद में 5 साल तक चुनाव दिखते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो नेता है फिर आ जाते हैं और अपने मुद्दे भूल जाते हैं। क्या कुछ कहोगे? ऐसा कभी भी कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। हम जो भी है, जय गावनी कर्णपुर विधानसभा 71 ग्राम पंचायतें हैं, 4 नगर पालिका क्षेत्र हैं। कुन्नर साहब के पास कोई भी काम पहुंचा है, उनकी नज़र में गया, वो काम हुआ है। तो बादल सिंह जी, लगातार आप रूबी कुन्नर के साथ फील्ड में जा रहे हो, तो लगातार लोगों का क्या कुछ रुझान मिल रहा है? लोग किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, रूबी कुन्नर साहब का प्रचार बहुत बढ़िया है। लोग हर गांव में जाते हैं, भारी जन सैलाब देखने को मिल रहा है, हर गांव में बढ़िया समर्थन मिल रहा है भाई रूबी कुन्नर को। जी बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। जान लेते हैं, आपसे भी जान लेता हूं मैं जी, आपका क्या ना क्या कुछ नाम है? मुकेश बिश्नोई। मुकेश जी बिश्नोई, आप लगातार रूबी कुन्नर के साथ गाँव में जा रहे हैं, क्या कुछ प्रमुख समस्या है जो श्री कर्णपुर विधानसभा की रह चुकी है, जो अभी होने वाली है? कुछ पानी की समस्याएं हैं, जैसे हमारे सड़कों की समस्याएं जो रह चुकी है जी। और काफ़ी काम हुए भी बहुत ज़्यादा हैं जी। इनका भी सुधार कर रहे हैं। कुन्नर फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, रूबी कुन्नर लगातार मंच के माध्यम से बोलते हैं कि मैं डमी कैंडिडेट हूँ, और जो चुनाव है रूबी कुन्नर के फेस, गुरमीत कुन्नर के फेस पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है लगातार। तो क्या लगता है, लोग आप पे विश्वास करेंगे? बिल्कुल विश्वास कर रहे हैं जी, काम किया इन्होंने, 40 साल सेवा की है और लोगों ने वोट भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अभी कुछ ही समय के बाद रूबी कुन्नर
ये गाँव में पहुँचेंगे और बच्चों का रुझान भी लेना जरूरी है क्योंकि बच्चों ने भी इधर। बेटा तेरा नाम क्या बेटा? खुशी। खुशी बेटा, अब की बार कौन सा विधायक होना चाहिए, कांग्रेस का या बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का? ये डंडा किसका है, झंडा उठाया हुआ है, किसका है? हाथ का। हाथ का, हाथ का विधायक कौन बनेगा? अभी आपके पास कौन आने वाला है? हाँ बेटा रूबी कॉर्नर, आप बताओ बेटा, इधर इधर आओ। हाँ बेटा आपका क्या नाम है? गुरवीर सिंह। अच्छा तो कौन आने वाला है अभी? गुरमीत सिंह कुन्नर। कुन्नर के सुपुत्र आने वाले बेटा, रूबी कुन्नर। बिल्कुल, तो बच्चों में कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो जरूर नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं, जो कि यहाँ स्वागत कार्यक्रम आयोजित होगा कुछ ही समय के बाद। क्या लगता है इस बार करणपुर विधानसभा क्षेत्र में सत्ता की जो चाबी है वो जनता रूबी कुन्नर को पकड़ाएगी या नहीं पकड़ाएगी? तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, तब तक आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ। समय मौजूद हैं ग्राम पंचायत एक PS के गाँव 12 ML में। 12 ML में आप देख सकते हैं रूबी कुन्नर के समर्थन में लगातार जनसलाब बढ़ते ही नजर आ रहा है, चाहे युवा चाहे बुजुर्ग, तमाम लोगों का एक ही कहना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को श्री करणपुर से विजय बनाएंगे। जी हाँ, इसी को लेकर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सबसे पहले तो जी मैं जानना चाहूँगा आपका नाम। चमकौर सिंह। चमकौर सिंह जी, लगातार आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हो, क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ प्राथमिकता है? प्राथमिकता तो जी कुन्नर साहब का प्यार है जी, तो एक अच्छा रिश्ता बन चुका है जनता के साथ जी। तो अब तो इस दुख की घड़ी में और लोग भी शामिल हो गए हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से चुनाव प्रचार भी हो रहा है और लोग बहुत सारे और भी जुड़ रहे हैं। 12 ML की बात करें तो 12 ML में जैसे जनसलाब उभरा है, प्रत्येक बच्चे से लेकर गांव के पूरे बुजुर्ग चाहे महिला हो लगातार रूबी कुन्नर को समर्थन दे रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको? बिल्कुल उम्मीदें, जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है तो 100% जीत पक्की है जी, हम तो यही कहेंगे जी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर के जो कार्य 5 साल के कार्य करवाए हैं उन कार्य के प्रति बहुत जनता में लगाव है। कोई सड़क का ले लो, चिकित्सा का ले लो, स्वास्थ्य का ले लो, किसी तरह का कोई भी सुझाव ले लो, उन काम के विकास पर जो जनता है वो कुन्नर साहब को समर्थन है। और रूबी कुन्नर से युवा है जो बहुत ही उत्साह है और प्रेम से। बिल्कुल, युवा नेता रूबी कुन्नर पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं जो गाँव 12 ML इस समय जोरदार स्वागत किया जा रहा है। ये रूबी कुन्नर जी पहुंच चुके हैं, उनका जन सलाव है लगातार, उनके जो चाहता है कहीं ना कहीं हाथ मिलाकर स्वागत का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये गांव 12 ML जिसकी मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, मेरे कैमरा चौकी से कहूंगा एक बार ये तस्वीरें दिखाएं। ये देख सकते हैं जो कि युवा नेता कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं रूबी कुन्नर जी पहुँच चुके हैं गाँव 12 ML में अपने जन सलाब के साथ। लगातार उनका प्रचार बढ़ता ही जा रहा है, गांव गांव ढाणी तक युवा नेता पहुंच रहे हैं और जन समस्या सुनी जा रही है। मैं आपको ग्राउंड की खबर से रूबरू करवाता हूं, तब तक आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सोगी बनवारी के साथ निशान सुतरण, धन्यवाद। लोगों ने जो रूबी कुन्नर नूं भरपूर समर्थन दिता ओदा ये नतीजा ये तुहाडे सामने जिहड़ा इकट्ठ है, सारिया माता सारे बजुर्ग प्यारे बच्चे ग्रामीण बाहर तो आए हुए लोग सारे नूं एक बेनती की जाती है कि आने वाली 5 तरीक नूं आपां कांग्रेस के निशान हथ दे पंजे ते बटन दबा के आपां सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर जिन्हां दे प्रत्याशी है बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर जी नूं आपां समर्थन देना, वोटां पाउणियां ते एक एक वोटर नूं वोटा पाने लई अपील करनी है। मैं ज्यादा समा ना लेंदा होया सारे ही ग्रामीण नंजार भी ग्राम पंचायत एक PS दे वासियां नूं अपील करदा हां कि भरपूर समर्थन दे के सरदार उपेंद्र सिंह कुन्नर जो कि ईमानदार छवि वाले नेता सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर दे सपुत्र हन, जिन्हां दी साफ छवि विकास की लाइन तुहाडे सामने है, विकास ते इन्हां ने काम कराए, विकास जिवें 32 ML वाली सड़क ला लो या स्कूलां दी परमानेंट गैसिंग। गड़मल सर दी उप तहसील गैसिंगपुर तहसील राजकीय कन्या महाविद्यालय पदमपुर अनेक काम कराए हन, उन्हां कम्मां दे इन्हां नूं आपां रिजल्ट देना है। अगर मैं
धन्यवाद करता हां ग्रामीण ग्राम पंचायत एक पी एस के पिंड नंजा रवि के लोगों का जिन्होंने सानू भरपूर समर्थन दे के साडा स्वागत किया। मैं फिर पुरजोर तो अपील करता हां कि रुपिंदर सिंह कुन्नर नू आपां 5 तरीक नू हथ वाले निशान वाला बटन दबा के इन्हां नू जितौना है। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की अज दे चुनावी नुक्कड़ सभा दे विच पहुंचे मेरे पिता समान बुजुर्ग मेरे नौजवान साथी मेरी मातृ शक्ति वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पूरे राजस्थान च चुनाव हो चुके हैं, हुण सिर्फ करनपुर च चुनाव होने जा रहे हैं क्योंकि अपने महबूब नेता सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर आपदा चलदे हुए चुनाव दे विच जीते हुए चुनाव नूं छड्ड के आपां सारे चले गए। 4 तरीक नूं आपां सारयां ने नोमीनेशन कीता सी, सारे आपां गवाह बने सी उस दिन जो कट सीगा उस कट ने तय करता सीगा वी साडे विधायक आउण वाले सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ही आउणगे क्योंकि पिछले 5 साल उन्हां नूं एक बीमारी ने भी घेर लिया सी, उन्हां दे दोनों गुरदे खराब हो गए सी। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਨਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਨਵੇਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਬਣਾਏ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਏ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਮ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ, ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਯੋਜਨਾ, 10 ਲੱਖ ਬੀਮਾ, 25 ਲੱਖ ਬੀਮਾ, 10 ਲੱਖ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਔਰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥੀਆਂ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਜਾਣੇ। ਚੁਣਾਵ ਸਥਗਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ, ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਭ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕੁੰਨਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਟਿਕਟ ਤੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਨਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਚਾ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਦੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਨਾ ਪਰਚਾ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਨੇ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਦਮ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ, ਪੂਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਚੁਣਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਰਨਪੁਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਊਗਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਰਨਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਲੋਕ ਕੁੰਨਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ
दूसरे पासे कह रहे हैं भी सरकार साड़ी बन गई है, सानू बनाओ तुसीं, असीं काम करावांगे। काम की कराए आ सब नूं पता है, कोई काम नहीं होए। 32 ML वाली रोड जिसते हर रोज एक्सीडेंट होंदे सी, बहुत वड्डा काम सी। बुढ़ा जोड़ साहब पर्यटक स्थल बनाया, ये बहुत वड्डा काम सी। वो सवा वड्डा जिहड़ा काम मैं मानना, सड़कां तों वी वड्डा काम जिहड़ा हैगा आ, वो हैगा गरीब परिवार दे जो बच्चे है, खास तौर ते मेरी भैणा जो 12वीं तो बाद पढ़ाई नहीं कर पाउंदियां सी क्योंकि प्राइवेट कॉलेज दे विच फीस नहीं भरी जांदी सी, उन्हां वास्ते कन्या महाविद्यालय ये बहुत वड्डी सौगात है। आने वाले टाइम अपनी बच्चियां कॉलेज जा पाउणगियां, कॉलेज एडमिशन चल रहे आ, जे कॉलेज जाणगियां तो पढ़ाई करनगियां, उन्हां नूं नौकरी मिलणगी, ये बहुत वड्डा काम है। सो मैं सारिआं अगे अरदास ते बेनती करदा कि तुहाडा बच्चा तुहाडे कम्मां दी लड़ाई, तुहाडे मान सम्मान दी लड़ाई, तुहाडे हक्कां दी लड़ाई जरूर लड़ूगा। एक बार सेवा दा मौका जरूर दिओ, तुहानूं निराश नहीं करूंगा। इन्हीं शब्दां नाल एक बार फिर आने वाली 5 तरीक नूं एक एक वोट कांग्रेस पार्टी नूं पा के सरदार गुरमीत सिंह नूं सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की।